नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवरात्रि के व्रत के लिए एक मीठी रेसिपी बनाएंगे, जिसे आप पेड़ा या बर्फी कह सकते हैं। ये रेसिपी हम मूंगफली से बनाएंगे। मूंगफली का रेशो मैंने बड़ा बॉल लिया है और छोटा बॉल मैंने काजू का ले लिया है, ऐसे ही मावा लिया है और ये पिसी हुई चीनी। कोई भी रेशो आप बदल सकती हैं अपने हिसाब से। मूंगफली को हम बिना तेल के सूखा ही भून लेंगे। इसमें अपना तेल बहुत होता है, इसलिए तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे। हल्का सा काजू भी हम सूखा ही भून लेंगे। मावे को भी अलग से भून लेंगे हम। मूंगफली का छिलका उतारेंगे अब हम अच्छी तरह रगड़ कर। इसे मूंगफली और काजू को हम अलग अलग दरदरा पीस लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। दरदरी कुटी हुई या पिसी हुई मूंगफली, दरदरा पिसा हुआ काजू, भुना हुआ मावा, पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी हरी इलायची, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। बाइंडिंग का काम इन्हीं का तेल करेगा। मावा भी है जो बाइंडिंग का काम करेगा। ये देखिए, आराम से हमारे लड्डू या पेड़े बन जाएंगे। जो शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। और अगर आपके पेड़े या लड्डू नहीं बन रहे तो आप थोड़ा इसमें घी भी डाल सकते हैं। तो व्रत के लिए तैयार हैं हमारे मूंगफली के पेड़े। ऊपर से मैंने काजू और पिस्ता लगा दिया है। आप भी बनाइए, व्रत में ये फुल एनर्जी देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।